अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नबीला तलत है, मेरी एज 52 ईयर है और मैं स्कूल टीचर हूँ अरसा 20 साल से। ठीक है, तो मैं 2011 में जब मैं पाकिस्तान शिफ्ट हुई और मेरी सिस्टर कैमी हुई तो मुझे एकदम से एक साल के बाद कैटरेक्स का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। उस कैटरेक्स के दौरान मुझे पता चला कि मैं शुगर पेशेंट हो गई हूँ और मैं टाइप 2 डायबिटीज़ की पेशेंट हूँ। तो उसकी वजह से फिर मुझे एक तो आँखों का मसला हुआ, फिर मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी वीकनेस फील होने लगी और मेरी टांगों में बहुत तकलीफ होती थी, खिंचाव अक्सर पैदा होता रहता था टांगों में, और इसके अलावा मुझे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन मतलब बार बार पेशाब की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से जो है फिर मैंने अपने डायबिटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना शुरू किया और उन्होंने मुझे फिर बताया कि मैं ये जो स्ट्रेस आउट होने की वजह से या डिफरेंट प्रॉब्लम जो पर्सनल प्रॉब्लम या कुछ भी जो आपको था तो ये डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो गई, कुछ हमारा जेनेटिकली भी ये मसला था, हमारी फैमिली में भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम मौजूद है। तो अक्सर उन लोगों को इस उम्र में आकर जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो ये डायबिटीज़ का मामला हो जाता है। फिर मेरे डायबिटोलॉजिस्ट ने मुझे कहा कि आप जो है ग्लूकोज मीटर यूज़ करें रेगुलरली और उससे आपको अपनी शुगर को खुद से सेल्फ मॉनिटर करें। जब मैंने डॉक्टर के पास जाना होता है तो मैं दिन में दो बार, मैं यूजुअली दिन में दो बार शुगर अपनी टेस्ट करती हूँ ग्लूकोज मीटर से, एक सुबह फास्टिंग में और उसके बाद खाने के दो घंटे के बाद मैं टेस्ट करती हूँ। लेकिन जब मैंने डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाना होता है तो उस एक वीक के अंदर मैं 3 बार अपनी ग्लूकोज मीटर को यूज़ करती हूँ और उससे अपनी शुगर टेस्ट करती हूँ, एक रात के वक्त, एक सुबह फास्टिंग में और खाने के 2 घंटे के बाद। ग्लूकोमीटर ने मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानी पैदा कर दी है और ग्लूकोज मीटर की वजह से जो है मेरी मुझे बहुत कन्वीनियंस हो गई है, क्योंकि बार बार फार्मेसी नहीं जाना पड़ता, डॉक्टर से चेक नहीं कराना पड़ता, मैं मैन्युअली खुद ही अपने घर में कर लेती हूँ। ये एक पेन फ्री और बहुत ही नॉर्मल सा काम है, एक सेकेंड के अंदर आप जो है उसके पेन से अपने एक ड्रॉप ब्लड का निकालते हैं और ग्लूकोज मीटर से आप अपनी शुगर चेक कर लेते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि समटाइम्स हमें ये फील हो रहा होता है कि हमारी शुगर बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन एक्चुअली वो लो शुगर के साइन होते हैं कि आपका दिल घबरा रहा है, आपको पसीने आने लगे हैं और आप जो है आपको आपके ठंडे पसीने आपको छूट गए हैं और आपको ऐसे फील हो रहा है कि आपको चक्कर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक्चुअली उस वक्त पर आप लोग ये समझते हैं कि शायद शुगर ज़्यादा हो रही है और लेकिन वो लो शुगर के सिम्टम्स होते हैं। तो आप ये ग्लूकोज मीटर यूज़ करें और इससे लाइफ बहुत आसान हो जाती है। फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप खाना जो है वो आप पोर्शंस में खाएं, अपनी खुराक से शुगर वाले स्टार्ची फूड कम कर दें, चावल, चीनी, आलू वगैरह इस तरह के कम कर दें, सब्ज़ी ज़्यादा ले लें, गोश्त जो है वो जो रेड मीट है वो अपना कम कर लें, और इसके अलावा आप जो है दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों को कम खाएं, डेयरी प्रोडक्ट्स ख़त्म कर दें कोशिश करके, और जो सोडा ड्रिंक्स हैं वो तो बिल्कुल ना लें आप ना। इससे जो है मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरी शुगर जो है वो कंट्रोल में रहे, जिसमें एक बड़ा रोल ग्लूकोज मीटर का भी है कि आप उससे बहुत आसानी से अपनी शुगर मॉनिटर कर सकते हैं और आप अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकते हैं शुगर पेशेंट होते हुए भी। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।